फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कटहल की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। बिल्कुल भी झंझट नहीं लगेगा, एकदम आसानी से बनेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं सबसे पहले आप देखें। फ्रेंड्स, ये देखिए, 1 किलो कटहल है, उसको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ और अच्छे से धो ली हूँ। 1 किलो कटहल में 1 किलो इस तरह से कटा हुआ प्याज लेंगे। ये देखिए, मिक्सर ग्राइंडर के जार में 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच धनिया, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 25 से 30 लहसुन की कलियां, 5 से 6 हरी मिर्च, आप चाहें तो सूखी मिर्च डाल सकते हैं, 1 टमाटर कटा हुआ, 4 छोटी इलायची, 5 से 7 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का। अब इन सारे मसालों को पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, मसाले हमारे पीस चुके हैं। कुकर को मैं हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दी थी। जब कुकर गर्म हो जाए, 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और कटा हुआ प्याज कुकर में डाल करके तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे। हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट तक प्याज को फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं, प्याज थोड़े से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम लोग ये देखिए इस तरह से कटा हुआ कटहल डालेंगे और कटहल को अच्छे से प्याज में मिक्स कर लेंगे और प्याज और कटहल को लो टू मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, कटहल अच्छे से भून चुके हैं और प्याज भी फ्राई हो गई। अब इसमें हम लोग पीसे हुए मसाले डालेंगे इस तरह से। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और 2 मिनट तक मसालों को भूनेंगे। फ्रेंड्स, बहुत इजी है बनाना और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, इस तरह से जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं, मसाले अच्छे से भून चुके हैं, प्याज भी गल गया है। अब इसमें हम लोग 2 गिलास के लगभग पानी डालेंगे और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। अब कुकर का सीटी लगा करके कुकर का ढक्कन लगा लेंगे पहले, उसके बाद 5 से 7 सीटी आने तक पकने देंगे कटहल को। तो फ्रेंड्स देखिए, 5 से 7 सीटी आने के बाद मैं गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ और ये देखिए हमारा कटहल का सब्जी कितना अच्छे से गल गया है। तो फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट ग्रेवी के साथ हमारा कटहल का सब्जी एकदम अच्छे से पक चुका है, इस तरह से जरूर बनाइएगा। अब इसको हम लोग गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।